हेलो गाइस, तो आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, और गाइस इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है। तो गाइस इस वीडियो में एक सेव को हम डीजल, पेट्रोल और पानी के अंदर पूरे 10 दिन के साथ रखने वाला हूं, फिर देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। क्योंकि गाइस आप सभी को पता ही है कि पानी के अंदर किसी भी चीज को रखा जाता है तो वह सड़ जाता है, और सड़ने के कुछ दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो गाइस आज हम यही चेक करने वाले हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के अंदर भी कोई चीज सड़ सकता है और उसके अंदर कीड़े पड़ सकते हैं या नहीं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को हम आज घर पे ही ट्राई करते हैं। तो गाइस इसके लिए हमने मार्केट से डीजल, पेट्रोल, सेव और प्लास्टिक के छोटे छोटे 3 बॉक्स की व्यवस्था कर लिया है। तो गाइस चलिए अब हम सेव को डीजल, पेट्रोल और पानी के अंदर रखते हैं, फिर देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। तो गाइस हमने सारी सेटअप इस टेबल पर इकट्ठा कर दिया है। तो गाइस ये रहा छोटे छोटे बॉक्स जिसमें हम पेट्रोल, डीजल और पानी को रख के इस सेव को इसके अंदर रखेंगे। तो गाइस बिना किसी देर के हम चलिए इसके अंदर डीजल, पेट्रोल और पानी को डालते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम डालते हैं पेट्रोल। तो गाइस इसमें हम डाल लेते हैं पेट्रोल, और गाइस नंबर 2 पे हम डाल लेते हैं डीजल, और गाइस नंबर 3 में हम डाल लेते हैं नॉर्मल पानी। तो गाइस हमने फाइनली इन तीनों बॉक्सों के अंदर हमने पेट्रोल, डीजल और पानी को डाल दिया है। अब गाइस हम इसके अंदर डालेंगे इस सेव को, वो भी 10 दिन के लिए, फिर देखेंगे इसके बाद कि इस सेव किस में, पानी में, डीजल में या पेट्रोल में, किसके अंदर ये जल्दी चढ़ रहा है और कितने जल्दी इसके अंदर कीड़े पड़ रहे हैं। तो गाइस अब चलिए इसको फाइनली हम डालते हैं इसके अंदर। तो गाइस पेट्रोल के अंदर सेव जाते ही सेव ने पेट्रोल यानी बॉक्स की तली में बैठ गया है, आप यहां से देख सकते हैं। अब गाइस हम नंबर 2 को यानी अब डीजल के अंदर भी सेव को डालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस सेव भी फाइनली इस डीजल के पेंदी में जाके बैठ गया, यानी तलीम जाके बैठ गया है। अब गाइस हम इसके पानी के अंदर भी डालते हैं सेव को, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ओ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पेट्रोल और डीजल के अंदर सेव फाइनली इसके तली में जाकर बैठ गया है, लेकिन जल में हम डाल रहे हैं सेव को तो इसके तली में नहीं बैठ रहा है। तो गाइस सब कमेंट करके बताएं कि किस वजह से जो यह सेव है वो पानी के तली में नहीं बैठ रहा है जबकि डीजल और पेट्रोल के तली में बैठ गया है। तो गाइस इसको हम अंदर डुबाने के लिए इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें लगाएंगे ताकि ये पानी के अंदर पूरी तरीके से अंदर चला जाए। तो गाइस जो जल में है वो सेव नहीं नीचे जा रहा है, इसलिए हम इसमें कुछ लगाएंगे जुगाड़ू चीजें ताकि सेव इसके अंदर बैठ जाए। तो गाइस इसका हम ऊपर अगर टेप मार दें तो इसके अंदर से चाहे ऐसे ही करके हम बंद कर देंगे तो ठीक। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल और पानी के अंदर हमने सेव को रख दिया है। अब हम इसको करने जा रहे हैं बंद, और गाइस अब फिर 10 दिन के बाद ओपन होगा। तो गाइस चलिए इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो गाइस हमने इसको बंद करके यहाँ पे रख दिया है। अब डीजल के अंदर के भी सेव को हम अच्छी तरीके से बंद करके रख लेते हैं, इसको भी हमने रख दिया है। और गाइस इसमें हम कुछ ऐसे करके इसको हम बंद करेंगे ताकि जो डीजल, ताकि जो सेव है वो पानी के अंदर रहेगा। गाइस देखिए यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक के गिलास के सहारे इस सेव को हमने इसके अंदर बंद कर दिया है। तो गाइस आप फाइनली आप देख सकते हैं कि हम तीनों बॉक्सों को बंद कर दिया है, और यह गाइस 10 दिन के लिए इसमें बंद रहेंगे, फिर हम मिलेंगे 10 दिन के बाद। तो गाइस हमने जो सेव को डीजल, पेट्रोल और पानी के अंदर रखा था उनको हम फाइनली अपने घर के जंगले पर रख दिया है ताकि यहाँ पे इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और गाइस हम इसको पूरे 10 दिन के बाद खोलेंगे, फिर देखेंगे इस सेव के साथ क्या हुआ है। तो गाइस फिर से मिलते हैं। तो गाइस हमने जो सेव को डीजल, पेट्रोल और पानी के अंदर रखा था उनको हम फाइनली अपने घर के जंगले पर रख दिया है ताकि यहाँ पे इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और गाइस हम इसको पूरे 10 दिन के बाद खोलेंगे, फिर देखेंगे इस सेव के साथ क्या हुआ है। तो गाइस इसका पार्ट 2 10 दिन बाद।